हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हार्दिक। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर गार्डनर में। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपको चंपा प्लूमेरिया की कटिंग किस तरह से लगाते हैं वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी मॉनसून चल रहा है तो आप मॉनसून के टाइम पे कोई भी कटिंग आसानी से लगा सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर चंपा की कटिंग किस तरह से लगाते हैं वो आपको बताऊँगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चंपा प्लूमेरिया की कटिंग लगाने के लिए आपको पहले चंपा की कटिंग ले लेनी है। मैंने इसकी कटिंग 2 दिन पहले काट ली थी और इसके अंदर मैंने फंगीसाइड पाउडर लगा दिया था और इसे सुखाने के लिए रख दिया था। 2 दिन के बाद ये इस तरह से सूख जाए जो फंगीसाइड पाउडर, ताकि इस मानसून के टाइम पर अभी फंगस लगने का खतरा ज़्यादा रहता है, इसलिए आपको कटिंग को 2 दिन के लिए सुखाना है और उसके जो नीचे का जो आपने कटिंग किया है उस भाग को फंगीसाइड पाउडर से लगा देना है और इसको 2 दिन के लिए सूखा देना है। अभी मैंने 2 दिन के लिए अपनी कटिंग को सूखा दी थी। अब मेरी कटिंग रेडी है, अब हम इस कटिंग को लगाएंगे। फ्रेंड्स, चंपा की कटिंग लगाने के लिए इसका पोटिंग मीडिया हमने मिक्स कर लिया है। मैंने इसके अंदर 20% रेत और 20% कोकोपीट मिक्स कर ली है। अब हम इसके अंदर 60% गार्डन सॉइल मिक्स कर देंगे। हमारी मिट्टी गीली है इसलिए हमें कटिंग लगाने के बाद ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हमारा पॉटिंग मीडिया कटिंग लगाने के लिए रेडी है। अब हम इस पॉटिंग मिक्स को गमले के अंदर भर देंगे। पॉटिंग मिक्स रेडी हो गया है हमारा और हमने मिट्टी को गमले के अंदर भर दिया है। अब हम इस मिट्टी के अंदर अपनी कटिंग्स को लगा देंगे। फ्रेंड्स, आप कोई भी चीज़ से इस तरह से छेद करके अंदर इस तरह से आपको 1.5 से 2 इंच तक कटिंग्स को लगा देना है। फ्रेंड्स, हम 1.5 से 2 इंच इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये हिले ना और कटिंग्स फिट हो जाए। ज़्यादातर कटिंग हिलने से ही मरती है। फ्रेंड्स, अब इस पानी के अंदर मैं फंगीसाइड पाउडर मिला रहा हूँ। अभी मॉनसून के टाइम पे फंगस लगने का खतरा ज़्यादा है, स्पेशली कटिंग्स को, क्योंकि इसके अंदर अभी रूट्स नहीं होती है तो इसलिए डेड होने का चांस ज़्यादा होता है। इसलिए हम कोई भी कटिंग लगाए तो याद रखें कि हम इसके अंदर फंगीसाइड वाला पानी डालें। हमने मिक्स कर लिया फ्रेंड्स और अब हम इसे इस तरह से डाल देंगे। सो फ्रेंड्स, अब हमारी कटिंग लगकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसे सेमी शेड एरिया में रख देंगे। फ्रेंड्स, हमें इसका इतना ध्यान रखना है कि इसमें ज़्यादा पानी ना गिरे, ताकि ज़्यादातर पानी गिरने से और कटिंग्स हिलने से ही कटिंग्स अक्सर मर जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसका अपडेट वीडियो भी दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।